रामचरित मानस में कहते हैं, ना कोई काउ के सुख दुख दाता, निज कित कर्म सब फल भोग भ्राता। निज कित कर्म ही कारण है। शांता, शांत किसको कहते हैं? शांत शब्द का परिभाषा क्या है? शांत कहते हैं ना किसी भी अवस्था में चित्त विक्षेप नहीं होना। चित्त विक्षेप का बहुत सारे कारण रहते हुए भी विक्षिप्त तो ना होना, इसको कहते हैं शांत भाव। अरे भाई ऐसे कैसे होगा, हमारा घर में आग लग गया और हमारा चित्त विक्षेप नहीं होना चाहिए, हमारा कोई प्रियजन मर गया है हमको विक्षेप नहीं होना चाहिए, भाई हमारा कोई धन लूट गया या हमको विक्षेप नहीं होना चाहिए। बोले हाँ, जो शुद्धि जन होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो जानते हैं ये हमारा कोई वस्तु है ही नहीं, था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, ना दृश्यमान कोई जागतिक वस्तु पदार्थ हमारा था, ना है, ना होगा, ना हो सकता है। दुनिया का मेला मैं हूं अकेला, कौन सा वस्तु हमने साथ लाया था, आज खोने के लिए हम चिंता कर रहे हैं। घर में आग लग गया, हमारा क्या लगा? क्या घर दिख के हम घर छोड़ के आए हैं? आज आग लग गया तुम क्यों, विक्षेप तुम्हारा क्यों हो रहा है? तुम जब जन्म लिया तो घर देख के तुम जन्म लिया, तो ये भी हमारा था नहीं, हमारा है नहीं, हमारे होगा नहीं, हमारे होता नहीं, हमारे हो नहीं सकता, इससे हमारा आत्मा का सुसंबंध ना था, ना है, ना होगा जान करके और शांत रहते।